वन वेलकम टू अरलाइन क्लासेस दिस इज प्रवीण हेयर साइकोलॉजी आज है डेट तेरह जुलाई 2024 और मैं शेयर करने वाली हूँ इस वीडियो में आपके साथ एच पी टेट आर्ट्स की साइकोलॉजी सेक्शन की आंसर की स्टूडेंट्स बहुत खुशी हो रही है कि आपकी डिमांड पे जो मैंने दो तीन दिन पहले ही एक टॉप हंड्रेड एन बेस्ड क्वेश्चन और रिपीटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज बनाई थी साइकोलॉजी के लिए उसमें से डायरेक्टली पंद्रह से सोलह क्वेश्चन इस पेपर में आपके एच पी आर्ट्स में पूछे गए थे और जो भी हमने सीरीज़ कंप्लीट करी थी जो हमने टारगेट एच पी की सीरीज़ जो शुरू करी थी उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके पूछे गए थे जैसे कि हमने उसमें एन सी आर टी का पोर्शन भी कवर किया था तो मैं आपको बताऊँगी कि कौन कौन से क्वेश्चन रिपीटेड यहाँ पे आए हैं और चलिए देखते हैं हम साथ में आंसर की भी फर्स्ट क्वेश्चन है वॉट्स एंड स्किनर बोथ कंट्रीब्यूट टू विच स्कूल ऑफ साइकोलॉजी तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बिहेवियरिज्म रिपीटेड क्वेश्चन साइकोलॉजिस्ट हु वर्क विद द पर्सन दैट सफर फ्रॉम मोटिवेशनल एंड इमोशनल प्रॉब्लम डायरेक्ट एन सी आर टी क्वेश्चन है ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन हु प्रपोज द फेमस इक्वेसन तो ये इक्वेशन जो है ये भी डायरेक्ट एन सी आर टी क्वेश्चन है कर्ट लुइस ने इसको दिया हुआ है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट है इफ़ यू एंड योर फ्रेंड मेजर द लेंथ ऑफ अ टेबल यूजिंग आइडेंटिकल इंस्ट्रूमेंट इट्स लाइकली दैट बोथ ऑफ यू वुड अटेन द आइडेंटिकल कंक्लूजन अबाउट लेंथ दिस ऑफनज एन एग्जाम्पल ऑफ तो ये किसका एग्जाम्पल है यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए uh, ठीक है ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज इन एन एक्सपेरिमेंट वट इज़ एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल ये भी आपका वेरिएबल एन सी आर टी चैप्टर से पूछा गया क्वेश्चन है यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा वेरिएबल दैट इज़ मैनिपुलेटेड ठीक है मैनिपुलेटेड या अल्टर्ड वर्ड एन में यूज़ हुआ है हो सकता है स्टूडेंट uh, दो तीन क्वेश्चन में मुझे डाउट है वो मैं आपको साथ में बता दूंगी तो ऑफिशियल आंसर की का उसके लिए वेट करेंगे कग्नेटिव डेवलपमेंट मीन्स बहुत बेसिक क्वेश्चन डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस डेवलपमेंट ऑफ द डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द इंटरप्ले ऑफ तो ये भी डायरेक्टली एनसीईआरटी क्वेश्चन है ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन द अप्रॉक्सीमेट रेंज ऑफ सेंसरी मोटर एज रिपीटेड क्वेश्चन है ये भी पियाजे की सेंसरी मोटर स्टेज ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा अगला क्वेश्चन है विच थियोरिस्ट प्रपोज द एट स्टेजिज ऑफ हमने साइको सोशल डेवलपमेंट थीरी भी करी है एरिक एरिक्सन ने इसको दिया है ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा अगला क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ इंटरकोपरेटिंग न्यू एक्सपीरियंस इन टू एक्जिस्टिंग स्कीमा वेरी इंपॉर्टेंट एन सी आर टी क्वेश्चन यहाँ पे स्कीमा के बाद आता है हमारे पास एसीमुलेशन बी ऑप्शन सही हो जाएगा ये आपको पैटर्न याद रखना है स्कीमा के बाद एसिमुलेशन आता है एसिमुलेशन के बाद अकोमोडेशन आता है और अकोमोडेशन के बाद एकबेरियम आता है अगला क्वेश्चन फार्मूला ऑफ कैलकुलेशन आई क्यू तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इन टू हंड्रेड बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है गेस्टाल प्रिंसिपल स्टेट द एलिमेंट विच क्लोज टू ईच अदर आर परसिव्ड एज अ ग्रुप ऑफ देखिए इसमें मुझे थोड़ा सा क्वेश्चन में डाउट है ठीक है वैसे अकॉर्डिंग टू मी यहाँ पे ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन द प्रोसेस बाय विच द बाई विच वी रिकोगनाइज द एंड इंटरप्रेट देंसरी इंफॉर्मेशन इंटू मीनिंगफुल होल इज तो इसका सही आंसर हो जाएगा दैट इज़ ऑप्शन बी थोड़ा सा डाउट है मुझे बट ऑप्शन बी के साथ हम जाएंगे ये क्वेश्चन पहले भी क्योंकि एच पी ने रिपीट करा है एक बार हु इज़ नोन फॉर क्लासिकल कंडीशनिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होने वाला इवान पैब्लम ने ये एक्सपेरिमेंट दिया था होबार्ट गार्डनर ठीक है थीरी ऑफ इंटेलिजेंस इन्होंने दी है तो इन्होंने थीरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस दी है नेक्स्ट क्वेश्चन है द टेस्ट विच कंटेन नंबर ऑफ वुडन ब्लॉक्स रिपीटेड क्वेश्चन और हमने किया था जब हमने इंटेलिजेंस टेस्ट टॉपिक किया है उसमें मैंने आपको ये करवाया है ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा एन क्वेश्चन है अब इस तरह के एन सी नए क्वेश्चन आपको ये लग रहे होंगे लेकिन नए क्वेश्चन ये एन सी से ही है कुछ बाहर से नहीं पूछा है जो नई चीज़ें पूछ रहा है अब साइकोलॉजी में भी तो एन देखने को मिल रही है और हमने इसको अपनी सीरीज़ में कवर किया है नेक्स्ट क्वेश्चन है रेफर टू एन इंडिविजुअल्स अंडरलाइंग पोटेंशियल फॉर एक्वायरिंग स्किल्स तो यहाँ पे एप्टीट्यूड इसका सही आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है एज अ पर्सन वी ऑलवेज मेक सो जजमेंट अबाउट आवर वन सेल्फ अपने लिए एक जो हमारी धारणा होती है उसे हम सेल्फ कंसेप्ट बोलते हैं अगेन एनसीआरटी क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है Again, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन थमेटिक जो एप्लीपेशन टेस्ट है किसने दिया हुआ है मोरन मॉर्गन ने ये भी हमने टॉप हंड्रेड में कवर किया है नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्सटीन पी एफ क्वेश्चन ईयर इसमें मुझे डाउट है तो ये मैं मतलब वैसे तो इसका जो है ऑप्शन सी हो सकता है बट uh, मुझे थोड़ा सा डाउट है इसमें इंडिविजुअल साइकोलॉजी वॉज गिवन बाय रिपीटेड क्वेश्चन टॉप हंड्रेड में हमने ये भी करा हुआ है यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा अल्फ्रेड एडलर एडलर नेक्स्ट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू डैश डैश ए दीड गो एंड सुपरिगो किसने दिया कंपोनेंट पर्सनैलिटी है सिगमेंट फ्राइड वेरी इंपॉर्टेंट अगला क्वेश्चन विश थियोरी वॉज डेवलप्ड बाय कार्ल जंग डायरेक्ट एन सी से क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी का ये टॉपिक है ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा एनालिटिकल साइकोलॉजी निशा शो अग्रेशन मोस्ट ऑफ द टाइम हर इन हर क्लासरूम ऑफन कॉल्स हर क्लास मेट अग्रेसिव आइडेंटिफाई द डिफेंस मेकनिज्म तो इस ये आपका अग्रेशन थोड़ा बहुत इस इसके बारे में एन सी आर टी में दिया हुआ है बट डायरेक्ट क्वेश्चन ये आपको नहीं देखने को मिलेगा इनडायरेक्टली ये पूछा हुआ है तो यहाँ पर जो है प्रोजेक्शन इसका सही आंसर हो जाएगा अगला है रिया इज़ अ काउंसिल और शी हैज़ द एबिलिटी टू रिफ्लेक्ट ऑन वट क्लाइंट से एंड फील यूजिंग डिफरेंट वर्ड्स ये जो है वो क्या होगा दैट इज़ डी कोडिंग का एक ये उदाहरण है मेमोरी के अंदर हम इस चीज़ को पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश एस्टेब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन द अनडिज़ायरेबल बिहेवियर एंड पेनफुल कंसिक्वेंसेस तो इसके अंदर जो है कौन सी यहाँ पर आपको थेरेपी दैट इज़ सी ऑप्शन ए वर्जन थेरेपी यहाँ पर जो है वो uh, सही हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है राहुल इज हैबिचुअल ऑफ स्क्रीमिंग सो हिज पेरेंट्स डिसाइडेड टू टेक द फूड अवे वेरावर ही स्क्रीम तो ये जो है एक example है आपका नेगेटिव reinforcement का ये भी एनसीआर टी का पूछा हुआ प्रश्न है क्वेश्चन है विच टेक्निक इज यूज टू ट्रीट फोबिया यहाँ पे ऑप्शन uh, ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है द लॉजिकल प्रोसेस बाई विच जनरल प्रिंसिपल आर इन फेयड फॉर्म पर्टिकुलर इंस्टेंस दैट इज़ कॉल्ड एज यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लास्ट क्वेश्चन है मेमरी प्रोसेस इन विच न्यूली लर्न इन्फॉर्मेशन प्रिवेंट्स द रिट्रीवल ऑफ प्रिवियसली स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन सिमिलर मटीरियल दैट इज़ कॉल्ड तो यहाँ पे इसका आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा ये भी एनसीईआरटी का पूछा हुआ क्वेश्चन है अब आपके जो आपको लग रहा है कि कुछ नए क्वेश्चन हैं क्योंकि जब ऑफिशियल की आएगी तो कुछ क्वेश्चन में डाउट होता है स्टूडेंट्स uh, को लगता है कि ये सही होना चाहिए अगर उस टाइम पर ऐसा कोई भी आपको डाउट होगा आप लोग मुझे मैसेज uh, कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पे आप इस वीडियो के नीचे कमेंट डाल सकते हैं कि आपको कौन से क्वेश्चन में उसके जो एन प्रूफ होते हैं क्योंकि एन के ही प्रूफ जो है वो आपको पता है बोर्ड मांगता है तो वो सारे प्रूफ मैं आपको दे दूँगी अगर ऐसा कुछ वहाँ पर होगा और स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूँ कि हम लोग अब नेक्स्ट डेट के लिए भी नया कोर्स लॉन्च करने जा रहे हैं तो आपको कोर्स रिलेटेड कोई भी जानकारी अगर चाहिए तो आप इस नीचे दिए गए नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं हमारी जो कोर्स के लिए नेक्स्ट कोर्स के लिए एडमिशन्स हैं वो ओपन हो चुकी हैं उसके लिए हम नया अपडेट भी यूट्यूब पे डालने वाले हैं तो ये जो आपको नीचे नंबर रिफ्लेक्ट हो रहा है इस पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं हम मिलते हैं अगली वीडियो में थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग हैवे नाइस टाइम एंड टेक केयर